Traders, complete solution for submersible pumps and electrical accessories near old auto office Mahbub Nagar. Tum aise rahbar ko vote dena. 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 वतन को जो महताब कर दे, उदास चेहरे गुलाब कर दे, जो जुल्मतों का निजाम बदले, जो जुल्मतों का निजाम बदले, जो रोशनी बेहिसाब कर दे। तुम ऐसे राहबर को वोट देना, तुम ऐसे राहबर को वोट देना। खुशबुआ की नवीद बनकर गुलाब मौसम बहार। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वार्ड नंबर 24 से मुझे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का उम्मीदवार बनाया गया है। मेरा नाम मोहम्मद अनवर अली है, उर्फ अन्नमामा है। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मेरी कारकर्दगी पे मुझे MIM से टिकट दिया गया है, इसलिए मैं यहाँ पर उम्मीदवार बन के आया हूँ। और मैं इंशाल्लाह वार्ड नंबर 24 में जो भी मसले मसाइल हैं इंशाल्लाह पूरे हल करूँगा। और मेरे को MIM को वोट देकर, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट देकर कामयाब कराइए। और असदुद्दीन अवैसी साहब के हाथ मजबूत कीजिए, क्योंकि वाहिद शख्स है वो, क्यों पार्लियामेंट में और हर हमेशा मुसलमानों के अच्छे के लिए उन्होंने जो काम कर रहे हैं, मुसलमानों की भलाई के लिए मुसलमानों के लड़ने वाला वाहिद शख्स मौला बैरिस्टर असदुद्दीन साहब है। इसलिए उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि आप लोगों की खिदमत में रहूँगा और हमेशा आपके लिए काम करूँगा इंशाअल्लाह ताला। TV महबूब नगर के चैनल के जानिब से तमाम आवाम से मैं ये गुजारिश करूंगा, क्योंकि अभी हमने अनवर सादात साहब के साथ हल्के वाट का 24 का दौरा किया, रामाया बोली का किया, तैयबा नगर का और पीच नगर सा सब तैयार, तो लोगों में बहुत उत्साह है। हर कोई ये कह रहा है कि हम वोट को तकसीम होने नहीं देंगे। मैं आपके चैनल के ज़रिए ये बता देना चाह रहा हूँ, अनवर अली साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कोई नए नहीं है, बल्कि 82 से आप बैरिस्टर असदुद्दीन सालार मिल्लत अली रहमा के साथ काम करें इस वाले। और मजलिस की हमेशा से यह पॉलिसी है कि एक बार किसी को मौका देती है तो दूसरों को भी मौका देती है। काम करनी तो असल जमात का प्लेटफॉर्म होता है, शख्सियत नहीं होती। शख्सियत मायने नहीं रखती हमारे पास, जमात मायने रखती है। इसलिए अनवर अली साहब को दिए, क्योंकि उनके अंदर जज्बा साहब ने कईयों बार देखा है। इससे पहले भी आपने नामिनेशन डाला, लेकिन साहब के बोलने की वजह से आपने रिटर्न ले लिया, क्योंकि जमात को बचाना है, जमात को वोट डालने के। आपकी यही कुर्बानी की वजह से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने यह अहद किया कि आपकी बार उनको अनवर अली साहब को मामा को देंगे। और मैं देख रहा हूं कि यहां के पूरे बुजुर्गों में, नौजवानों में आपकी मुखलिसाना और आपकी हमदर्दी बना और आपके भोलेपन से हर कोई खुश है। और ये लोगों में ये तासुर न गया कि यकीनन आप कौम को लूटने के लिए, बल्कि कौम को कुछ देने के लिए आए। मैं फिर एक बार आप लोगों से एक बात बोलूँगा कि बहुत से लोग पहले अभी भी जमात में थे और बहुत से कैडर शख्सियत की बुनियाद पर डर गए। मैं उनसे अदबन गुजारिश कर रहा हूँ, देखिए वक्त बहुत नाजुक है, हम सबको इत्तेहाद में आकर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को मजबूत करना चाहिए। यह और शख्सियत को ताकतवर बनाने से हम ताकतवर नहीं बन सकते, बल्कि जमात को ताकतवर बनाने से हम जमात बनते हैं। इसलिए मैं आज़ाद उम्मीदवार के साथ जो भी जमात के कैडर है, मैं ये मानता हूँ कि आपके चैनल के जरिए मैं ये बात कहूँगा, हर एक के दिल में असदुद्दीन अवैसी साहब बसते, कुछ इख्तलाफ होंगे, नाराज़गी होंगी। मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ, हमारे पास अल्लाह के फजल से फीचर बहुत पड़ा है, आगे बहुत से मैदान होंगे, लेकिन सीट को खुदा के वास्ते डिबेट तकसीम करके सीट को नुकसान मत पहुँचाइए। एक ज़बरदस्त कैंडिडेट अल्लाह ने बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के जरिए हमको दिया है, उसको कामयाब कीजिए। मेरे बुजुर्गों से, नौजवानों से और मेरी माँ बहनों से 22 तारीख के दिन पतंग के निशान को ओढ़ देकर